नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ। मैं हूं आपके साथ निश्वास्तव। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बीजेपी की जम्मू दक्षिण आरएसपुरा इकाई की तरफ से शनिवार को बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा की गई। भाजपा की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वह पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। बूथ में से हमारे संगठन मंत्री ने कार्य करना और करना आसान हो जाता है। तो जैसे यहाँ कहा गया कि जो हमारा 2014 का इलेक्शन था, उसके विश्लेषण के बाद के बूथ लेवल को बूथ को हमने तभी जाकर, क्योंकि ये चुनाव की दृष्टि से हमने कोई भी हमला कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और सारा इस अभियान में बूथ सशक्तिकरण अभियान, उसमें हमने क्या क्या बूथ लेवल पे हमने कार्य करने, क्या क्या एक्टिविटीज हमने करनी है, जो भी हमारे करूंगा ताकि वो बातें करनी है। और ये तो 5 एक्टिविटीज हैं, इनको 31 मार्च से पहले पहले के बूथ समिति और इन 11 जो मेंबर होंगे उनको कार्य विभाजित करना, वो क्या क्या काम उन्होंने करने हैं, वो जो 11 लोग हैं उनके जिम्मे क्या क्या जिम्मेवारी है, उसे विस्तार से सीखना, लर्न करना। उनके हर पन्ने के जितने 11 मेंबरी हमारे मेंबर हैं, वो पन्ना प्रमुख उनमें से नहीं होगा। उसके अलावा कार्यकर्ता है बाहर से जाकर, हम सब ने करवाना है, ये कोई नई बात तो है नहीं, आज से तो शुरू हुआ नहीं, काफ़ी समय से काफ़ी सालों से इस कार्य को हम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहना है। और जिस तरह संगठन मंत्री जी ने कहा, काम तो पहले भी हुआ है लेकिन कुछ काम होने की बात आई, चप्पल ऋषि की बात आई और फिर हमारे शोकोल जी कह रहे थे कि 11 ऋषि हो गए, अभी ऋषि बढ़ाए। इसी तरह पन्ना प्रमुख की बात आई, व्हाट्सएप ग्रुप बना, हम सबको सुनने को मिली, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब तक सोशल मीडिया ना हो तो तब तक लोगों तक जहाँ कहाँ गया गया, आज कोई भी छोटा आदमी तक पहुँच जाती है कि क्या हुआ क्या हो रहा है। मैं तो जिम्मेवार कार्यकर्ता और प्रैक्टिकल काम पहले भी होता है लेकिन कुछ जो कमी। यहाँ पे विधानसभा आरएसपुरा जम्मू साउथ में हमारी बूथ सशक्तिकरण की जो कार्यशाला है वो आयोजित की गई है। इसी तरह से हर विधानसभा में ये कार्यशाला जो है आयोजित की जाएगी और ऐसे ही कल भी हमारी बाहु विधानसभा की कार्यशाला है। उद्देश्य यही है कि बूथ लेवल तक जो है हम अपने संगठन को सशक्त कर सकें, विस्तार दे सकें। जैसे कि हमारी पार्टी हमेशा कहती है कि बूथ जीता चुनाव जीता, तो आगामी समय में जिस तरह से चुनाव रहेंगे उसकी भी जो कहीं ना कहीं एक तैयारी जो है वो पार्टी द्वारा की जा रही है।